मेरा नाम है केतन चरबड़े और आप देख रहे हैं केतन अनबॉक्सिंग दिनचर्या चैनल। तो दोस्तों फिर से इस नए वीडियो में आपके लिए एक नया प्रोडक्ट जिसको आज हम करेंगे अनबॉक्स। तो फ्रेंड्स आज का जो प्रोडक्ट है वो है एक बैकपैक जो कि है एमआई कंपनी का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा हमारा एमआई कंपनी का बैकपैक। तो आज के इस वीडियो में मैं इसे करूंगा अनबॉक्स, साथ ही मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके कीजिए केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही क्लिक कीजिए बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन मेरे लेटेस्ट वीडियो के सबसे पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये रहा हमारा MICT बैकपैक जो कि एक पॉलीथिन में हमें दिया गया है। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से की गई है और सबसे पहले इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे MICT बैकपैक लिखा गया है, साथ ही यहाँ पे जो है प्रोडक्ट नंबर मॉडल दिया गया है। साथ ही अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे MRP जो है 1799 रुपीज़ दी गई है, पर ये जो है मैंने अमेजन से परचेज़ किया है जो कि मुझे अराउंड 1500 रुपीज़ में मिला है। तो अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अमेजन की, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो है मटेरियल की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस मटेरियल से ये बनाया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 100% पॉलिस्टर का यूज़ किया गया है इसमें। उसके बाद जो है नीचे हमें मिल जाती है डायमेंशन इस प्रोडक्ट की जो कि है लेंथ विड्थ और हाइट जो कि है 30x14x39 सेंटीमीटर की। अगर हम बात करें कलर की तो ये जो है बैग ये है डार्क ग्रे का। इसमें आपको दो कलर ऑप्शन अवेलेबल है, एक है डार्क ग्रे और एक है लाइट ग्रे। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये है डार्क ग्रे वाला। उसके बाद हमें यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है जैसे कि मैन्युफैक्चर्ड बाय और इम्पोर्टेड वगैरह आपको जो है और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर वगैरह दिया है। और ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स MI का बैकपैक इसके साथ आपको 6 महीने की वारंटी मिलती है। बैकपैक को जो है फटाफट ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अच्छी पैकेजिंग में मिली हमें, तो यहाँ से जो है इसकी पॉलिथीन को मैं ओपन कर लेता हूँ। और जैसे मैं ओपन करता हूँ फ्रेंड्स तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है हमें हमारा MI का बैकपैक देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखा गया है MI अर्बन लाइफस्टाइल। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डार्क ग्रे कलर का है। और इस बैकपैक में आपको टोटल फ्रेंड्स 4 स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इस बैकपैक की बिल्ड क्वालिटी की फ्रेंड्स, तो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, काफ़ी बढ़िया है इस प्राइस रेंज में। और इसका जो कलर है डार्क ग्रे ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका जो टेक्सचर है ये भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा इस बैकपैक का। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसके बैकपैक की, तो ये है 16 लीटर कैपेसिटी वाला। और अगर हम बैग की बात करें इस बैकपैक की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमें पीछे की तरफ स्ट्रैप्स दिए गए हैं जो कि एस शेप्ड के स्ट्रैप्स हैं। और यहाँ पे बैक सपोर्ट के लिए हमें जो है एक कुशनिंग भी दी गई है जो कि अच्छी है, कंफर्टेबल है काफ़ी। और अगर हम बात करें इसके टॉप की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमें एक कैरी करने के लिए हैंडल भी दिया गया है जिससे आप आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स ओवरऑल इस बैकपैक की, तो काफ़ी मिनिमलिस्ट डिज़ाइन का बोल सकते हैं जो कि कंपनी क्लेम करती है। यहाँ पे आपको MI की ब्रांडिंग दी गई है। और अगर हम बात करें इसके स्टोरेज कंपार्टमेंट की, तो सबसे पहले जो है जैसे कि आप देख सकते हैं सामने की तरफ आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि इसकी जो जिपर है यहाँ पे भी जो है आपको MI की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और इसमें जो जिपर यूज़ की गई है फ्रेंड्स ये है नॉन स्लिप जिपर। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया दी गई है। तो मैं सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टोरेज कंपार्टमेंट ओपन करता हूँ। तो जैसे ही आप ओपन करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स अंदर की तरफ जो है हमें यहाँ पे अंदर जैसे कि आपका वॉलेट हुआ, कीस हुआ, या आपके जो पेन वगैरह या फिर आपके कॉलेज या स्कूल का ID कार्ड वगैरह यहाँ पे आप आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेस मिल जाती है इन सब सामान को रखने की। तो ये हमारा पहला स्टोरेज कंपार्टमेंट है। उसके बाद अगर हम जाएँ साइड में जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर आपको जो है दूसरा स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है कंपार्टमेंट ये है PVC वाला कंपार्टमेंट फ्रेंड्स, जहाँ पर कि आप चाहे तो आपका जो है अम्ब्रेला रख सकते हैं, जो कि अगर आपका गीला अम्ब्रेला है आप उसको भी यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर आपकी जो छोटी वाटर बॉटल वगैरह है आप उसको भी यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी बॉटल लीक करती है, तो उससे ये जो मटेरियल है PVC वाला ये आपके बैकपैक को बचा लेगा, ये आपको गीला नहीं करने देगा आपका बैग को पूरा। तो यहाँ पे आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं आपके वाटर बॉटल के या फिर एक अम्ब्रेला के लिए। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसके और जिपर की, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पाएंगे कि इस तरफ जो है हमें एक और जिपर देखने को मिल जाती है। तो जैसे इसको आप ओपन करते हैं,
तो आप देख पाएंगे कि ये जो हमारे थर्ड स्टोरेज कंपार्टमेंट है, यहाँ पर जो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको जो है सनग्लासेस का एक अलग से स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है, जहाँ पे आप आराम से आपको जो सनग्लासेस वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पे आप आपका जो है बाकी सामान जो है यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि आप वॉलेट हुआ या फिर आपका जो है जो भी आपको जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर एक छोटी नोटबुक वगैरह भी आप इसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे स्पेस दी गई है, और इसका जो अंदर का जो कलर है ये ग्रीन कलर का है, और यहाँ पे जो आपको अंदर जिपर भी प्रोवाइड की गई है जो कि अच्छी बेल्ट क्वालिटी है जिसकी। तो ये आपका थर्ड स्टोरेज कंपार्टमेंट था। तो जो लास्ट स्टोरेज कंपार्टमेंट है फ्रेंड्स, वो है हमारा ये वाला, जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ, जो कि काफ़ी वाइड ओपन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा फोर्थ स्टोरेज कंपार्टमेंट, जो कि काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है, मतलब पूरा 180 तो नहीं होता पर अच्छा खासा ओपन हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें काफ़ी स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट में हमें एक जिपर मिल जाती है, जहाँ पे आप यहाँ पे आपका सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ नीचे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, यहाँ पाउच में आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर आप आपका कोई सा भी सामान वगैरह रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कोई सा भी सामान वगैरह आप आराम से यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और इस तरह अगर हम जाए, जैसे कि आप देख पाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है हमें एक वेलक्रो दिया गया है, तो आप इसको वेलक्रो को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है फर्स्ट फ्रेंड्स ये जो कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आप आपका जो लैपटॉप है उसको स्टोर कर सकते हैं, और इस बैकपैक में आप 14 इंच तक का लैपटॉप को रख सकते हैं। और साथ ही जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे कि दूसरा कंपार्टमेंट है, ये है टैबलेट वाला, यहाँ पर आपका जो टैबलेट वगैरह भी जो है इस कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो लैपटॉप, अगर मैं बात करूँ कुशनिंग की, तो बहुत ही बढ़िया दी गई है इसकी भी कुशनिंग, और साथ ही आपको इसमें एक वेलक्रो का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये है हमारा MI का बैकपैक, जो कि है MI सिटी बैकपैक। और फ्रेंड्स, ये जो बैकपैक है ये वाटर रेपेलेंट है, मतलब कि थोड़ी बहुत बारिश या फिर जो है पानी से आपका बचाव कर लेगा आपके बैकपैक का। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ फ्रेंड्स इस बैकपैक की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि प्राइस रेंज मतलब मैंने 1500 रुपीज़ में ख़रीदा और बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, ये MI का बैकपैक आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो है आप लोगों को पसंद, तो इस वीडियो को जरूर कीजिए लाइक, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जो कि केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल, ताकि ऐसे वीडियोस आपको इन फ्यूचर में भी मिल सके।